आदाब नमस्कार, मैं आपके साथ शबी हैदर। रूस और यूक्रेन के बीच वॉर अभी तक जारी है। इसी बीच नीदरलैंड, अमेरिका और कई ऐसे देश हैं जो यूक्रेन के साथ खड़े हैं। अमेरिका नीदरलैंड यूक्रेन को हथियार फराहम करेगा। यूक्रेन पर हमले के तीसरे दिन रूस ने दावा किया कि उसने 800 यूक्रेनी सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया है। इसमें 14 सैन्य हवाई क्षेत्र, 19 कमांड पोस्ट, 24 S-300 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम और 48 रडार स्टेशन शामिल हैं। इनके अलावा यूक्रेनी नौसेना की 8 नौकाओं को भी तबाह कर दिया गया है। इसके पहले यूक्रेन की राजधानी कीव पर बड़ा हमला किया गया था। इस धमाके से कई रिहायशी इमारतों को बड़ा नुकसान पहुंचा था। इसी बीच रूस ने मेलिटोपोल शहर पर भी कब्जा कर लिया है। वहीं यूक्रेन ने 3500 रूसी सैनिकों, 2 टैंक, 14 विमान और 8 हेलीकॉप्टरों को मार गिराने का दावा किया है। इसी के साथ यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दावा किया कि ब्रिटेन और अमेरिका सहित कुल 28 देश यूक्रेन की मदद के लिए आगे आए हैं और ये देश रूस का सामना करने के लिए हथियार देंगे। शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी UNSC में रूस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास किया गया। इस प्रस्ताव के पक्ष में 11 और विपक्ष में 1 वोट पड़ा। आपको बता दें, भारत, चीन और UAE ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। हालांकि रूस ने वीटो पावर का इस्तेमाल कर इस निंदा प्रस्ताव को खारिज कर दिया। तो नाज़रीन, ये थी रूस और यूक्रेन के बीच वॉर को लेकर एक बड़ी ख़बर। तो हम फिर हाजिर होंगे कुछ बड़ी ख़बरों के साथ। देखते रहिए MMC News India। शुक्रिया।